क्या सोशल मीडिया पर आपने आसमान का ऐसा रंग भी देखा है? जानते हैं कि ये क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि ये भी एक एनवायरमेंटल क्राइसिस का ही रंग है तो? कुछ दिन पहले आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में आग लग गई। उससे थोड़े ही समय पहले वहाँ के इलाकों में आसमान का रंग कुछ बदला बदला नजर आया था। इसको काफी लोग अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते भी नजर आए, लेकिन लोगों को तब अंदाजा नहीं था कि ये हो क्या रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको अब ऑयल इंडिया फायर ट्रेजेडी का भी नाम दिया जा रहा है। मॉडर्न टाइम हो गोल ऑयल इंडिया जी गैस का दरअसल हुआ ये था कि 9 जून को आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में आग लग गई। इस घटना में फिलहाल 2 फायरमैन मारे जा चुके हैं। एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के 2 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है उनकी लापरवाही की वजह से। आग कितनी भीषण लगी थी इसका अंदाजा 2 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटों को देखे जाने से लगाया जा सकता है। ऑयल इंडिया ने एक बयान जारी कर इसके बारे में अपनी तरफ से ये कहा कि कंपनी के मुताबिक कुएं से गैस बेतहाशा बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से आग भड़क गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि आग कैसे और कब लगी इसके बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। हम लोग एक डिस्कस किया है कि अभी तक 7000 फैमिली इसमें अफेक्टेड है, पॉपुलेशन अफेक्टेड है, 7000 पॉपुलेशन अफेक्टेड है। तो 7000 पॉपुलेशन का एवरी फैमिली कितना नुकसान हुआ है, खेत कितना नुकसान हुआ है, चाय बागान कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या संपत्ति इसका नुकसान हुआ है, ये नुकसान का बारे में DC असेसमेंट करेगा। और DC असेसमेंट करने के बाद जो जिसका जितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान ऑयल इंडिया, आसाम सरकार और भारत सरकार ये जरूर दे देंगे। क्या आप जानते हैं कि ऑयल इंडिया की शुरुआत 18 फरवरी 1959 को हुई थी एज अ प्राइवेट ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। इसके बाद 1961 में कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हुई, जिसमें बुमरा ऑयल कंपनी ने इसका 2/3 हिस्सा अपनी ओनरशिप में रखा और बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट के ओनरशिप में आ गया। उसी साल कंपनी का पहला गैस पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन आसाम के दुलियाजान में पूरा किया गया। उसके अगले ही साल 1962 में दुलियाजान से गुवाहाटी तक 401 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिठाया गया। 2014 तक 3.466 MMT क्रूड ऑयल और 2625.81 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस ये नॉर्थ ईस्ट के ही रिच रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हुए थे, जो 80% इस एरिया का ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है। इस तेल के कुएं में पिछले 14 दिनों से ही गैस का लीकेज हो रहा था, जिसके बाद मंगलवार को यहां आग लग गई। ऑफिशियल्स का कहना है कि हादसे में 1.5 किलोमीटर तक के इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुएं से गैस लगातार निकल रही है, तो ऐसे में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। इंडिया में 2017 में ऐसा ही एक ऑयल स्पिल चेन्नई के पास एन्नोर में कामराजन पोर्ट के बाहर हुआ था। 2010 में ऐसा ही ऑयल स्पिल मुंबई के कोस्ट पर MV MSC चित्रा और MV खलीजा 3 के टकराव से हुआ था। और अब 2020 में आसाम का ये हादसा। इस सिचुएशन को पॉलिटिशियंस ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया और BJP को घेरते हुए आसाम के कालियाबोर से MP और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट किया, आसाम और दिल्ली में BJP सरकार की लापरवाही की वजह से ऑयल इंडिया के एक ही तेल के कुएं में 2 बार आग लगी है। आत्मनिर्भरता और एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिर्फ कागजों में है। BJP की तरफ से इस पर हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला है, लेकिन सिंगापुर की एक एक्सपर्ट्स की टीम ने बताया कि इसको पूरी तरह से शांत करने में 3 हफ्तों का समय लग सकता है।
इसका नुकसान यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ के जीव जंतुओं को हुआ है सबसे ज्यादा, और इसके अलावा यहाँ पर 3,500 लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा चुका है। বাঘ চেঞ্চুৰী বুলি এটা ঘোষণা কৰিছিলে, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো আমাক চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক নতুন ৰঙাগাঁও গাঁওখনক কাউকো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা চৰকাৰ ফালৰ পৰা একো আমি সুযোগ পোৱা নাই। কিন্তু অইল অসাত যেতিয়া চলন কাৰ্য চলি আছিলে, কিন্তু আমি নতুন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদটো আমি নিদিলোঁ আমাৰ ইয়াত, কিন্তু বাঘজান ফালে চলিলে, কিন্তু আমি বাঘজানৰ অইল গাড়ী যাবলৈ দিলোঁ, আমি একো প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া আমাৰ গোটেই গাঁওখনত তেল বিৰিঙি আমাৰ গছ গছনি মৰি যাব, এদিন ৰদ দিয়া পিছতেই হাহাকাৰ হৈ যাব। गैस लीकेज के एरिया में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी बार है कि बगजन में गैस स्पिलेज सामने आया है, तो क्या ऑयल कंपनी की लापरवाही ना कहें इसको। जहां एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव से क्लाइमेट चेंज आने वाले दिनों की स्ट्रगल का एहसास करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज रिच एरियाज को इस तरह से एक्सप्लॉयट किए जाने का एक रिजल्ट है ये ट्रेजेडी। हालांकि गलती किसकी है और कितनी है ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल ये तो साफ है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों द्वारा अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये हादसा उसी का एक नतीजा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।